खेल कूद तो अपने में ही बहुत बड़ी बात है, लेकिन कई ऐसे भी लोग होते हैं जो कुछ परेशानियों के शारीरिक परेशानियों के कारण खेल में भाग नहीं ले पाते। लेकिन एक बहुत अच्छी पहल पिछले 6 सालों से की जा रही है। हमारे साथ है अजय राज, हम इनसे बात करेंगे। क्योंकि ये चल नहीं सकते, गर्दन के नीचे अपने बॉडी को मूव नहीं कर सकते, लेकिन ये अपने भारत को नवंबर में दुबई में रिप्रेजेंट करेंगे। इनके खेल के बारे में हम इन्हीं से जानते हैं। आप जो खेल खेलते हैं उसके बारे में बताइए। हाँ, ये गेम एक इंटरनेशनल गेम है जिसका नाम है बोसिया, और पिछले 6 साल से भारत में ये गेम को लाया गया है और मैं 4 साल से उस गेम को खेल रहा हूँ। साथ ही साथ मैंने नेशनल में 2 बार मेडल भी लाए हैं और एक बार 2019 में इंडिया रिप्रेजेंट कर चुका हूँ, और दोबारा अभी नवंबर में 2021 नवंबर में दोबारा मुझे एक बार इंडिया रिप्रेजेंट करने का मौका मिला है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ और मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि हाँ, मैं अपने देश और अपने नाम का अपने राज्य का नाम रोशन करना चाहता हूँ और करूँगा। ये गेम एक्चुअली जो हायर डिसेबिलिटी होते हैं, जैसे जिनकी ज़्यादा परसेंटेज होती है, जैसे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, जैसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जैसे सेरेब्रल पाल्सी, ऐसे बीमारियों के लिए जो जो इस बीमार से ग्रसित लोग हैं वो लोग भी खेल सकते हैं। जैसे मेरा हाथ नहीं चलता, तो कोई भी अगर एक नॉर्मल इंसान है, अगर उससे पूछो कि आप क्या करते हो, गेम खेलते हो, तो कौन सा गेम खेलते हो, तो आज के दौर में लोग क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी यही जानते हैं। उसके लिए हाथ और पैर दोनों की ज़रूरत है, लेकिन इस गेम के लिए ना हाथ की ज़रूरत है ना पैर की ज़रूरत है। मैं अपने दिमाग से गेम खेलना है, इस गेम को एक दिमागी तौर से खेला जाता है, और आप उसको खेल कर अपना एक पहचान बना सकते हैं। और इस दिमाग का खेल का नाम जो है वो बोसिया। जी देखिए, आप जिस चेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट चेयर नज़र आ रही है। ये आपने स्पेशली बनवाया है या फिर इसमें जो भी और फेर बदल कराया है, क्या कुछ इसका है? हाँ, ये जो व्हील चेयर है वो एक मोटराइज व्हील चेयर है, जो नॉर्मली ये जो जो स्टिक है ये यहाँ पे होता है जी। लेकिन इसको मॉडिफाइड किया है चंडीगढ़ स्पाइनल रिहैब में, और मैं चंडीगढ़ स्पाइनल रिहैब में जॉब करता हूँ वहाँ पे, तो उन्होंने इसको मॉडिफाइड किया है और उसको इस तरह बनाया है कि मैं अपने चिन से इसको मूव कर सकूँ, और मैं इस तरह से अपने व्हीलचेयर को मूव कर सकता हूँ और कहीं भी आ जा सकता हूँ। साथ ही साथ मॉडिफाइड किया है कि मैं अपने फ़ोन को ऑपरेट कर सकूँ, तो मैं अपने फ़ोन को भी इस पेन के थ्रू यूज़ कर सकता हूँ, और मैं कुछ भी कर सकता हूँ, फ़ोन में चला सकता हूँ। जैसे मैं खुद फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा सब चीज़ चलाता हूँ मैं खुद से, तो मैं इस पेन के बदौलत चलाता हूँ और मैं अच्छे से कोई भी चीज़ चला सकता हूँ। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है कि किसी के सहयोग के बिना अपने आप को हर वक्त मूव कराना, हर वक्त अपने फ़ोन से भी जुड़े रहना, क्योंकि फ़ोन चलाने के लिए हम लोग ज़्यादातर अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं, हर वक्त हमारे हाथ में फ़ोन रहता है और हम यूज़ करते हैं, लेकिन ये बिना हाथ के अपने मुँह से अपने फ़ोन को इस्तेमाल करते हैं। और इसी के तहत आज आपको एक प्रोत्साहन राशि भी दी गई है, तो उस प्रोत्साहन राशि के जरिए आप क्या कुछ करने वाले हैं? हाँ बिल्कुल, ये प्रोत्साहन राशि मैं इक्विपमेंट लेने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास जो इक्विपमेंट है वो देसी है, मैंने जुगाड़ करके बनवाया था। लेकिन इस इक्विपमेंट से जो मेरा इंटरनेशनल रैंप है, वो रैंप का लागत 3 लाख है, और इस प्रोत्साहन राशि से मैं अपना इक्विपमेंट खरीदने वाला हूँ, और उसके बाद में प्रैक्टिस और अच्छे से अपने बेहतर तरीके से करके मैं अपने गेम को आगे बढ़ाने के लिए इस प्रोत्साहन राशि को यूज़ करूँगा। तो आप लोगों ने सुना कि जो भी प्रोत्साहन राशि अभी इन्हें मिली है वो इनके इक्विपमेंट में ही खर्च हो जाएगा, जिसके लिए वह सरकार से काफ़ी वक्त से मांग भी कर रहे थे। आज उन्हें वो प्रोत्साहन राशि भी मिल गई, जिसके ज़रिए अब वो जो हमारे झारखंड का नाम हो, चाहे हमारे भारत का नाम हो, वो अब दुबई जा कर के कहीं ना कहीं हम लोगों को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है, और राज्य सरकार के द्वारा भी ये बहुत अच्छी पहल इनके लिए की गई। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार। मैं पूजा, नमस्कार। न्यूज़ अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।